क्या बोल सकते हैं, कड़ा डिसीजन होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उन सब में कुछ बेहतरीन है, तभी सब अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आगे हैं, और आगे ही नहीं है वो आदर्श है हम सभी भोजपुरी परिवार के लिए, समाज के लिए। तो मैं सभी लोगों से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और मैं सबको अपना आदर्श मानता हूँ, सबको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, और मुझे तो एक ही बात लगता है कि भोजपुरी में एक चाय पिलाने वाला स्पॉट बॉय से लेके और एक स्टार तक ये पूरा परिवार है, और बिना परिवार के सहयोग के आप आगे नहीं चलते। लेकिन काफी द्वंद्व युद्ध भी होता है जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, भोजपुरी फिल्म की बात करें, गाने की बात करें, तो हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगाता है किसने मेरा गाने को चोरी किया या कॉपी कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उस चीज के बारे में, वो कितना गलत मानते हैं? सर देखिए, द्वंद्व होना ये जो चीजें हैं जिसको आप बोलते हैं द्वंद्व होना, ये द्वंद्व नहीं है। कारण क्या है, हर एक व्यक्ति इंडस्ट्री में दिन रात पसीना इसलिए बहा रहा है कि हमें भी कुछ मिले, हमें भी कुछ मिले, हम भी कुछ मेहनत करें, हम भी आगे बढ़ें, बट इसलिए नहीं बढ़ा रहा है कि वो अगर आगे बढ़े। देखिए, भगवान छीनने समझ में आता है, बट रोजी रोटी अगर इंसान छीनने लगे, अगर कोई किसी को गाना को दबाने के लिए प्लान करने लगे, कोई किसी को पीछे में उसको सिनेमा से निकलवाने का प्लान करने लगे कोई, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये इंसान का काम नहीं है, ये सिर्फ उसका काम है जिसने हमें पैदा किया है। तो जिसने हमें पैदा किया है आखिर उसके हाथ में है ही, उसको जब इच्छा करता है तब वो अपना खेला तिलकम दिखाई देता है, तो फिर हमें क्या जरूरत है? हम तो एक परिवार है, हम तो एक भाईचारा है, सब एक जीवन लेके आए हैं, कब कौन कहाँ चला जाएगा किसी को पता भी नहीं है। तो जब इतना प्यारा सा जीवन मिला है तो हमें, आप देखिए ना सर, हमारे अलावे भी तो इंडस्ट्रीज है, हमारे अलावे भी तो इंडस्ट्रीज है, भोजपुरी के अलावे साउथ है, हिंदी है, सब इंडस्ट्री में देखिए किसी हीरो की फिल्म चलती है तो एक बड़ा हीरो आते हैं, घड़ी सरप्राइज करते हैं, ब्रास्लेट सरप्राइज करते हैं, वो बोलते हैं, उनका पोस्ट करते हैं, और अच्छा आगे बढ़िए। बट हो सकता है, ये सबकी अपनी पर्सनल राय है, इसमें मैं कौन होता हूँ कोई बात कहने वाला, लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझ में आता है कि ये पूरा परिवार है। हाँ, उस कड़ी में मैं भी हो सकता हूँ और मैं भी हूँ, कि अगर जब दुख तब होता है कि भाई मुझे पता चला कि आज ये काम मेरा था और कल सुबह पता चला कि मेरा नहीं है। तो राकेश जी, थोड़ा अपना अपने बारे में बताइए, शुरुआत का जो दौर था आपका अभिनय का और अभी तक का जो दौर है, और आगे जो आपका प्लानिंग है करियर को लेकर, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा दौर एक ही रहा और मुझे दूसरा कुछ नहीं समझ में आता है। मैं 2006 से, मेरा 2006 में पहला एल्बम रिलीज हुआ था, वो मुझे याद है, 2006 में पहला एल्बम मैं गाया था, बट गायन के क्षेत्र में मैं 2003 से ही हूँ, 3 या 2 से, उस टाइम मैं बच्चा था, 11-12 साल की एज होगी जो मैं बता रहा हूँ आपको। उस दिन से अभी तक मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगर हूँ, आज भले आप लोग के आशीर्वाद से एक एक्टर भी हूँ, इसके अलावा सर मुझे कुछ नहीं समझ में आता कि क्या हुआ। और जीवन के संघर्ष में चाहे हालात कुछ भी हो गए, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि हमने जीवन का जितना दौर देखा है, क्योंकि हर इंसान देखता है, तो उसको बार बार मीडिया में बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग आजकल कमेंट में नीचे गाली भी लिखते हैं कि भाई ज्यादा भावनात्मक करके क्या चाहते हो, भावना बटोरना चाहते हो, आजकल ये नया नया ड्रामा हो गया है ना भाई, लोग इंजीनियर भी तो हो गए हैं दिमाग के, वो आपके कमजोरी और आपके मजबूरी पे भी सवाल उठा देते हैं। तो मुझे कमजोरी मजबूरी नहीं सुनाना है, लेकिन मुझे एक बात बोलना है कि ऑलवेज माँ सरस्वती का रिस्पेक्ट है, और माँ वैष्णो देवी महादेव जिसने पैदा किया है, और मेरे ब्लड में बस एक ही चीज है, वो है सरगम और संगीत, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की दुआ से मेरे मरने के दिन तक मेरे साथ रहे। राजा तो नहीं जाए ना, काफी 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 आक्रोश में लग रहे हैं आपका चेहरा वगैरह, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ बोलना है आपको, बहुत कुछ कहना है आपको, लेकिन जुबा पर दर्द भरी बात नहीं आ रही है। आपने कुछ देर पहले एक जिक्र किया कि गाने दबाए जाते हैं, ऐसी घटना आपके साथ हुई क्या? सर देखो, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई थी, वो जिस जो आज गाना सक्सेस है उसी पे हुआ था। अभी अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि हम ही नहीं, 2-3 चीजें हैं इंडस्ट्री लेवल पे जो आप कभी नोट कीजिएगा, जैसे कुछ सिंगर होते हैं जो अपना पोस्टर तुरंत डालते हैं कि भैया मेरा पोस्टर का भी सेम नाम है, अभी दूसरे किसी ने भी गा दिया, जैसा मुझे लग रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज होती है कि जो आजकल ज्यादा है कि मैं उनका भक्त हूं तो मैं उनका भक्त हूं। सर ये पहली बार हुआ कि कलाकारी में, जिसको कि लोग बोलता था ये कलाकार 7 समुद्र पार भी एक होता है, मतलब सुर और संगीत जो होता है इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होती है, बट कहीं ना कहीं आज है हालात जो है कि अब अगर राकेश मिश्रा ने अपनी दर्द भरी बातें लाइव में आके कह दी तो लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ हर बार रोआ तो हर गाना हिट हो जाए, इसको भी कहीं ना कहीं तो क्या मतलब क्या है बोलने का। जब आप अनसेंसिबल हो, जब आपको सेंस नहीं है, जब आप बात को समझ नहीं सकते हो, तो आपसे बोलने से क्या फायदा है जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि
जिस संगीत का, अरे सर हम किसी के घर शो करने जाते हैं, हम पूछते हैं क्या कि भैया आप कौन से कास्ट के हैं? वो तो सीधे बोलते हैं, उनकी औरत सीधे बोलती है बेटा आवा घरे आवा, उनकर माई सीधे कहली बबू आवा दूध रोटी खा ल, क्योंकि हम तो कलाकार है, हमारा तो पूरा का पूरा एक ही परिवार है, संगीत का धर्म और जात कैसा सर? लेकिन फिर भी अब इस चीज के ऊपर सवाल उठती है, बातें होती हैं, और क्या क्या बोलिएगा, बोलिएगा तो गाली सुनिए नीचे कमेंट में, तो सुनते रहिए गाली, उसमें हमको क्या बोलना है।